हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट सेट ग्रीन। मैं हूं सैयद यासीन और आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल पॉट होल्डर्स और ये ब्यूटीफुल पॉट हैंगर्स काफ़ी सस्ते में। अगर आपको ये सब सीखने की दिलचस्पी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम ये सारे स्टेप्स करेंगे, मेजरिंग और कटिंग, क्लॉथ मोल्डिंग, ड्राइंग एंड क्योरिंग, पेंटिंग और माउंटिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक पैर ग्लव्स ले लीजिए क्योंकि हम सीमेंट यूज़ करने वाले हैं। आप 2 किलो सीमेंट ले लीजिए। फिर हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक ऐसा मोटा नैपकिन या टॉलिया लीजिए क्योंकि हमें मोटा कपड़ा काम आएगा। आप अगर पतला कपड़ा लेंगे तो आपका मोल्ड ख़राब हो जाएगा। फिर मेजरिंग टेप, पेन और एक कैंची और थोड़े पेपर। एक छोटी सी बकेट ले लीजिए जिसमें हम सीमेंट मिक्स करेंगे। एक मग और एक मिक्सर। और आप किसी भी रंग का पेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लिए सफ़ेद रंग का पेंट यूज़ करूँगा। और आपके पॉट्स, ये छोटे पॉट्स हैं और आप मीडियम साइज्ड वाले पॉट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम न्यूज़पेपर लेंगे, उसे स्प्रेड करके उस पर मेजरमेंट बनाएंगे, मार्क करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर पे मार्क करना आसान है और काटने के बाद अगर आप गलत काटेंगे तो आपका कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। तो 3 इंच ऊपर से छोड़ के इस कोने से आप छोटे पॉट का हिसाब मार्क कर दीजिए बॉटम पे। और उसके बाद ये जो बॉटम का जितना विड्थ है इस पॉट का, ये इस पॉट का 2 इंच है, उतना 2 इंच छोड़ दीजिए और एक सीधी लाइन खींचिए। यहाँ से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। आप कैंची से इस पेपर को काट दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रूलर लेके लाइन बना के काटना हो, क्यों आप ऐसा रफ़ वाला भी काट दीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से रैप कर जाएगा इस पॉट को। तो इस हिसाब से हमारा जो सैम्पल पीस है वो बन गया है। हम इस न्यूज़पेपर को कपड़े के ऊपर रख के इसी हिसाब का कपड़ा काट देंगे। आप ध्यान रखिएगा, आपको मोटा कपड़ा लेना है। अगर आप पतला कपड़ा लेंगे तो वो सही तरीके से सीमेंट अब्सॉर्ब नहीं करेगा और वो सूखने के बाद सारा सीमेंट झड़ जाएगा और फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हम 1 कप सीमेंट लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे जब तक वो अच्छा थिक पेस्ट ना बन जाए। ज़्यादा पानी मत डालिएगा। और उसके बाद अपना कपड़ा इसमें डिप कीजिए और अच्छे से सीमेंट और कपड़े को मिक्स कीजिएगा ताकि सारे कपड़े पर सीमेंट अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और आप इस कपड़े को प्लास्टिक शीट पर स्प्रेड करने के बाद ऐसे रैप कर दीजिए अपना पॉट बीच में रखकर, जैसे हमने न्यूज़पेपर को रैप किया था उसी हिसाब से आप रैप कर दीजिए और बॉटम को फोल्ड कर दीजिएगा उस ऊपर की तरफ, ताकि ये आपका मोल्ड बन जाएगा। इस मोल्ड को आप सूखने के लिए रख दीजिएगा तकरीबन 24 आवर के लिए। इस दौरान आप इस पे पानी स्प्रे करते रहिएगा। इस डिज़ाइन के लिए हम थोड़ा बड़ा पॉट लेंगे और इसका मेजरमेंट देख रहे हैं हम अभी। इसका टोटल मेजरमेंट है 16 इंच। तो आपको इसी हिसाब का कपड़ा काटना पड़ेगा इसके लिए। 16x16 का स्क्वायर हिसाब का कपड़ा काट दीजिएगा और उस कपड़े को जैसे हमने पहले किया था वैसे ही सीमेंट के थिक पेस्ट में डुबा के मिक्स करके निकाल लीजिएगा। और आप इस गमले को उल्टा रखिए और उसके ऊपर इस कपड़े को डाल दीजिए
और आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको डिज़ाइन सही लगे, या बहुत सारे क्रीसेस एक ही जगह जमा हो गए हैं तो आप उसे अभी एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कपड़ा अभी गीला है और सूखने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं है जिस पे मैंने इस पॉट को उल्टा रखा है, तो आप एक मॉप ले लीजिए जो घर में है, और उसे उस मॉप के ऊपर आप इस पॉट को उल्टा रख सकते हैं थोड़ा एडजस्ट करके, ताकि वो सही स्ट्रेट बैठे। अब जैसे अब ये बैठ गया है, आप इसके ऊपर कपड़ा डाल दीजिए ताकि वो सेट हो जाए। आप इसे किसी सहारे के साथ छोड़ सकते हैं ड्राई होने के लिए, और ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें कि आप दो पॉट एक साथ रख सकते हैं। तो जैसा हमने शुरू में मेजरमेंट लिया था, वैसा ही आप इसमें भी मेजरमेंट लीजिए, ऊपर से 3 इंच छोड़ के कप का हिसाब लेके काट दीजिए। मगर ये एक रेक्टेंगुलर कपड़ा है जिसमें आप देखेंगे कि मैंने एक पॉट्स को ऐसे कवर किया है, तो अब ये सही है। अब हम उसे सीमेंट में डिप करके फैला करके अभी पॉट्स को रख कर ढक देंगे पॉट्स को, ताकि ये स्ट्रक्चर सूख जाए और वो पॉट्स फर्मली उस स्ट्रक्चर उस मोल्ड में बैठ जाए। याद रखिए, मोटा कपड़ा इस्तेमाल कीजिए, थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट यूज़ कीजिए, और 24 आवर सूखने के बाद आप सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक और पतला लेयर सीमेंट का पेंट ब्रश लेकर मार दीजिए। इससे उसमें और भी स्ट्रेंथ आ जाएगी, और भी वो ताकत आ जाएगी उसमें, और अगर कोई छोटे मोटे क्रैक हैं तो वो भी इस सीमेंट के लेयर से ढक जाएंगे। याद रखिएगा, इसे भी आप 24 आवर सूखने छोड़ेंगे, और उस दरमियान में पानी उस पर स्प्रे करते रहिएगा। और आप देख सकते हैं कि आप ये पूरी एक्टिविटी को एक फैमिली एक्टिविटी बना सकते हैं। यहाँ पे हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं। आप इस सेकंड लेयर सीमेंट के बाद उसमें ऊपर छेद कर दीजिएगा, ताकि वो आपको टांगने में आसानी हो। अगर आप ये छेद अब नहीं करेंगे और वो सीमेंट सूख जाएगी, तो बाद में आप जब कोशिश करेंगे तो वो सीमेंट टूट जाएगी। जब ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सूख जाए, आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, वरना पेंट भी मार सकते हैं। मैंने सफ़ेद रंग जो सेलेक्ट किया है, और मैं पतला लेयर मारूंगा, पूरी तरह से ढक दूंगा इस स्ट्रक्चर्स को वाइट कलर से। आप इसे एक लेयर के बाद ऐसे ही सूखने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप एक और लेयर मार सकते हैं। मैंने थिक वाइट पेंट का लेयर एक और बनाया है और उस पर दूसरा लेयर भी मारा है। आप इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, लगभग 3 से 4 आवर, और ये जब पूरी तरह से सूख जाए तो ये माउंट करने के लिए रेडी है। आप इस सीमेंट के मोल्ड को ऐसे ही दीवार पर टांग सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सी लकड़ी लेके उसे टांग सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये लकड़ी मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट से है, मगर आप ऐसी ही लकड़ी अपने पास के कारपेंटर से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक छोटे पीस पे ये सिंगल वाला मोल्ड रखा है और मैं कील ठोक रहा हूँ। बहुत संभल कर कील ठोकिएगा, ताकि वो मोल्ड को ना लगे, और आपका हथौड़ा अगर मोल्ड पे लग गया तो वो टूट जाएगा। अब हम उसमें प्लांट रख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा कैक्टस रखा था, और इस डबल मोल्ड पे भी हम अभी कील ठोक रहे हैं। जैसे मैंने कहा है, बहुत संभल के इस कील को ठोकिएगा, अगर ये स्ट्रक्चर पे लग गया तो वो सीमेंट टूट जाएगा। अब ये सही तरीके से लकड़ी पे लग गया है मोल्ड, तो हम इसमें मिट्टी भरेंगे, और मैंने एक साइड में बेबी सन रोज का प्लांट लगाया है, और एक और साइड जेड का प्लांट लगाया है। आप ऐसे पौधे लगाइए जिसे कम पानी की ज़रूरत हो। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पॉट को उस मोल्ड से बाहर निकाल लिया था, मगर आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। जब आप वापस डालेंगे तो सीमेंट क्रैक हो सकता है, और अगर हो भी गया तो आप एक लेयर सीमेंट का और पेंट का लगा दीजिए।
ये देखिए हमारी मेहनत का फल, हमारा पॉट होल्डर तैयार हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसने हमारे लिविंग रूम की ब्यूटी को एनहेंस कर दिया है। और ये हमारा पॉट हैंगर है, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये एक सरप्राइज़ था, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा फिनिश हो पाएगा, मगर फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रही। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगले 7 दिनों तक जब भी आप अपने पौधों पे पानी डालते हैं, थोड़ा पानी आप अपने मोल्ड पर भी स्प्रे कर दीजिए ताकि सीमेंट अच्छे से क्योर हो जाए और वो स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा। ये सब आप घर में ट्राई कीजिए और इसके फोटोज़ हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।